और इसका मेन यही रीजन है, दैट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बड़े ब्रांड जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड स्पेक्स तो दे रहे हैं, लेकिन लोग अगर खरीद रहे हैं तो वो ब्रांड नेम की वजह से सबसे पहले देखते। नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक नई एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज मैं कंपेयर करूंगा दो इंटरमीडिएट लेवल के अकूस्टिक गिटार्स। एक तो है यहाँ पे मेरे पास फेंडर CD60SC जो कि मैंने लास्ट वीक रिव्यू करा था, और इसके अलावा इसको मैं कंपेयर करूंगा लैक के TATA DCE के साथ। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफली इन दोनों गिटार्स के स्पेक्स देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे स्पेक्स दिख रहे होंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और सबसे पहले इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक करते हैं और फिर जो है बाकी स्पेक्स के बारे में बात करते हैं।
तो साउंड वाइज दोनों ही गिटार जो थे बहुत बढ़िया लगे मेरे को, और दोनों के जो है अपने कुछ ना कुछ टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फेंडर सीडी 60 एससी की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो सीडी 60 सीरीज है, चाहे आप जो है वर्जन 3 ले लें या जो है सीडी 60 एस या सीडी 60 एससी ले लें, थ्रू आउट आपको सेम जो है टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। यहाँ इस गिटार में आपको जो है एक काफी ब्राइट और क्रिस्प साउंड सुनने को मिलती है, और इसके अलावा एक काफी प्रोनाउंस बेस सुनने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं लैक T88 DC की, तो यहाँ पे आपको एक वार्मर टोन सुनने को मिलती है, अच्छा बेस प्रोजेक्शन तो सुनने को मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे जो हाईज है, जो ट्रेबल नोट्स है, वो मुझे ज्यादा क्लियर लगे व्हेन कंपेयर टू फेंडर CD60SC। CD60SC में जो है बेस तो काफी प्रोनाउंस आता है, लेकिन जो ट्रेबल्स है वो थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लैक T88 DC में मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लोज जो है वो तो क्लियर और प्रोनाउंस्ड है ही, लेकिन इसके अलावा जो हाईज है वो भी काफी क्लियर है, और ओवरऑल जो टोन है वो वार्म है। तो टोनल क्वालिटीज एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, कईयों को जो है ब्राइट साउंडिंग गिटार पसंद होते हैं, कईयों को जो है वार्म साउंडिंग गिटार पसंद होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं इन दोनों गिटार्स में, तो मुझे जो है लैक की टोन ज्यादा पसंद आई, क्योंकि एक तो आपको वार्म टोन सुनने को मिल रही है, इसके अलावा यहाँ पे जो है जो लोज और हाईज है दोनों ही काफी क्लियर निकल के आ रहे हैं, कोई भी फ्रिक्वेंसीज जो है वो सप्रेस नहीं हो रही, तो ये एक क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और ये क्वालिटीज इवन यूजफुल रहती है अगर आप स्पेशली एक पर्कसिव या फिंगर स्टाइल गिटार प्लेयर है। टोनल डिफरेंसेस में एक काफ़ी की रोल प्ले करता है इन दोनों गिटार्स का टॉप। यहाँ फेंडर में आपको मिल जाता है एक सॉलिड स्प्रूस टॉप, विच इज़ प्रॉबेबली अ सॉलिड सिटका स्प्रूस, एंड यहाँ पे लैक T88 DC में आपको मिल जाता है एक सॉलिड एंगलमैन स्प्रूस टॉप। तो यहाँ पे जो सिटका स्प्रूस होता है और एंगलमैन स्प्रूस होता है, उनमें भी थोड़े से डिफरेंसेस जो है आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो यहाँ जो सिटका स्प्रूस है उसमें आपको जो है एक काफ़ी ब्राइट और पंची टोन सुनने को मिलती है, वहीं जो एंगलमैन स्प्रूस है उसमें आपको वो वार्म्थ मिलती है, और जो मिड रेंज होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो बेस और ट्रेबल्स है थ्रू आउट काफ़ी क्लियर सुनने को मिल रहे थे, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है। इसके अलावा एंगलमैन स्प्रूस जो है वो काफी कम ब्रांड्स जो है अपने हाई एंड गिटार्स में यूज करते हैं, तो ये चीज मेरे को लैक की बहुत बढ़िया लगती है कि ये अपने अफोर्डेबल से लेके एक्सपेंसिव गिटार्स में जो है एंगलमैन स्प्रूस का वाइडली यूज करते हैं, तो ये एक काफी प्रीमियम फीचर हो जाता है इनका। पिकअप की बात करें दोनों गिटार्स की, तो दोनों गिटार्स की पिकअप से आपको काफी अच्छी टोन सुनने को मिल जाती है। या फेंडर में आपको एक फिशमैन का पिकअप मिलता है विद 2-बैंड इक्वलाइजर एंड अ बिल्ट इन ट्यूनर, और या लैग में जो है आपको स्टेज लैग पिकअप मिलती है जिसमें आपको 3-बैंड इक्वलाइजर मिलता है, बिल्ट इन ट्यूनर मिलता है, इसके अलावा एक डेडिकेटेड मिड फ्रीक्वेंसी की नॉब है, एक नॉच की नॉब है, और इसके अलावा फेस का ऑप्शन है। तो आपने जैसे देखा कि बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ स्टेज लैग पिकअप में, तो यहाँ पे अगर आपको काफ़ी ट्वीकिंग करनी है, अपनी टोन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ जो लैग की पिकअप है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी टोन को ट्वीक करने के लिए। वही फेंडर में जो है बहुत ही बेसिक लेआउट है, तो इट इज़ प्लग एंड प्ले वाली चीज़, तो ये आपको देखना है कि आपको कौन सी टोन ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे एक्सपीरियंस में दोनों पिकअप्स जो थे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे, दोनों ही मेरे को बहुत बढ़िया लगे, बस लैग जो है उसमें एक तो जो है ट्वीकिंग के ऑप्शंस है वो एक चीज मेरे को अच्छी लगी, और लैग की पिकअप मुझे थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव लगी एज कम्पेयर टू दिस फिशमैन पिकअप। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें बैक इन साइड्स की, तो यहाँ पे आपको फेंडर सीडी 60 एससी में मिल जाती है लैमिनेटेड महोगनी बैक इन साइड्स, वहीं लैग में आपको जो है लैमिनेटेड खाया बैक इन साइड्स देखने को मिल जाती है। खाया जो है वो एक तरीके से अफ्रीकन महोगनी होती है, ये महोगनी की ही एक वुड स्पीशी है। अगर मैं वुड ग्रेड या क्वालिटी की बात करूँ, तो दोनों ही गिटार्स में जो है आपको काफी अच्छी क्वालिटी की वुड्स देखने को मिल जाती है। यहाँ नेक वुड की बात करें, तो फेंडर सीडी 60 एससी में आपको मिल जाती है महोगनी वुड, और यहाँ लैक T88 DC में आपको मिल जाती है खाया। तो दोनों गिटार्स के नेक जो है काफी स्टेबल रहते हैं, और यहाँ पे दोनों गिटार्स की जो नेक है मेरे को ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगे प्ले करने में, दोनों जो है एक कंफर्टेबल सी शेप नेक प्रोफाइल के साथ आते हैं। तो यहाँ पे एक जो मेजर डिफरेंस आपको प्लेइंग वाइज दोनों गिटार्स में फील होगा वो है फिनिश का। जो फेंडर सीडी 60 एससी है उसका एक ग्लॉसी नेक है, और यहाँ पे लैक T88 DC है उसमें आपको एक सैटिन फिनिश का नेक मिल जाता है। तो ये फिनिश का भी जो है एक पर्सनल चॉइस होती है, कई लोगों को जो है एक ग्लॉसी नेक पसंद आता है, और कईयों को जो है एक मैट या सैटिन फिनिश का नेक पसंद आता है। मुझे पर्सनली दोनों नेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ग्लॉसी भी अच्छे लगते हैं और सैटिन फिनिश के नेक भी बढ़िया लगते हैं। यहाँ अगर फिनिश की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो CD60 SCE है वो थ्रू आउट जो है ग्लॉसी फिनिश में आता है, और इसमें आपको नेचुरल और ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल जाता है इन स्प्रूस वेरिएंट, और इसके अलावा एक ऑल महोगनी वेरिएंट आता है इसका। वहीं अगर मैं लैक T88 DC की बात करूं, तो जो 88 सीरीज है उसमें आपको जो बॉडी है वो एक काफ़ी हाई ग्लॉस फिनिश में देखने को मिलती है,
और काफी प्रीमियम लगती है। अगर आप पर्सनली इसको देखेंगे जाके तो आपको फील होगा कि जो यहाँ पे ग्लॉस फिनिश है वो काफी कमाल की है। इसके अलावा एक 70 सीरीज आती है जिसमें आपको बॉडी प्लस नेक जो है वो सैटिन फिनिश में देखने को मिल जाता है। या एस्थेटिक्स की बात करें तो फेंडर में तो है आपको एक काफी ही ट्रेडिशनल लुक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो बाइंडिंग है फेंडर में आपको वो क्रीम और ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको एक काफी ट्रेडिशनल रोजेट का डिजाइन देखने को मिलता है विद पर्लॉइड एंड वाइट बाइंडिंग। यहाँ पे एक चीज जो लैग ने डिफरेंट की और बड़ी सही की है वो है कि यहाँ पे जो टॉप है उसको एक्स्ट्रा रख के एजेस से जो है बेंड किया है और साइड से जो है ग्लू किया है, तो इससे जो है ओवरऑल एक काफी स्टेबिलिटी मिल जाती है टॉप को, तो ये काफी अच्छा फीचर है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिजाइन की तो यहाँ पे रोजेट में आपको एक वुडन पैटर्न देखने को मिलता है, और ये जो डिजाइन है रोजेट का लैग में एक आइडेंटिटी है बेसिकली लैग गिटार्स की। थ्रू आउट लैग में अफोर्डेबल से लेके एक्सपेंसिव गिटार्स में आपको इसी तरीके का रोजेट पैटर्न देखने को मिलता है, विच इज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग नाइस। और यहाँ पे अगर मैं ब्रिज डिजाइन की बात करूँ तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द यूजुअल डिजाइन, जैसे कि आपको CD60SC में देखने को मिलता है। हेडस्टॉक डिजाइन की बात करें तो फेंडर में आपको जो है वो महोगनी पैटर्न का हेडस्टॉक देखने को मिलता है और उस पर फेंडर लोगों की ब्रांडिंग है। वही लैग में जो है एक सेपरेट वुड प्लेट लगी हुई है हेडस्टॉक में, और उसमें मेपल वुड से लैग का लोगो एम्बेडेड है, और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है लैग में, विच इज अगेन एन आइडेंटिटी जो कि आपको लैग गिटार्स के हेडस्टॉक में देखने को मिल जाएगी। यहाँ ट्यूनिंग कीज की बात करें तो दोनों गिटार्स में आपको जो है डाइकस ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है। दोनों ही गिटार्स की ट्यूनिंग कीज जो है अच्छी क्वालिटी की है, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ बस फेंडर में आपको वही ट्रेडिशनल क्रोम ट्यूनिंग कीज देखने को मिलती है, वहीं लैग में जो है आपको ब्लैक कलर की ट्यूनिंग कीज देखने को मिलती है और एस्थेटिकली थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। अब एस्थेटिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेटबोर्ड इनलेस की तो यहाँ फेंडर में आपको जो है स्मॉल डॉट्स देखने को मिल जाती है और साइड में भी यहाँ डॉट्स प्रेजेंट है। वही लैग में जो है आपको फ्रेटबोर्ड पे डॉट्स नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन साइड में जो है आपको डॉट्स देखने को मिल जाती हैं। या फेंडर में आपको ब्लैक कलर की नेक बाइंडिंग देखने को मिल जाएगी, और वहीं लैग में जो है आपको जो है एक वुडन नेक बाइंडिंग देखने को मिल जाती है, विच इज वेरी सिमिलर टू द फ्रेटबोर्ड। अब नेक जॉइंट की बात करें तो फेंडर में आपको एक ग्लूड नेक जॉइंट मिलता है जो कि काफी स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल चीज है एकुस्टिक गिटार्स में, लेकिन यह लैग में जो है आपको ग्लूड नेक के अलावा एडिशनल एक बोल्ट भी लगा हुआ है जो बॉडी को नेक से कनेक्ट करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बोल्ट है बेसिकली दिस एड्स एडिशनल स्टेबिलिटी एडिशनल स्ट्रेंथ टू द नेक, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी वाइज जो है लैग थोड़ा बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फीचर। यहाँ फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की बात करें तो यहाँ फेंडर में आपको जो है वॉलनट फ्रेटबोर्ड और ब्रिज देखने को मिलता है, और वहीं लैग में आपको जो है ब्रैंको रोजवुड फ्रेटबोर्ड और ब्रिज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है वो रोजवुड के ऑल्टरनेटिव्स है। वॉलनट जो अपने आप में काफी अच्छी है, यहाँ कोई इशू नहीं आता, और यहाँ ब्रैंको रोजवुड की बात करें तो ये बेसिकली जो है फील वाइज जो है थोड़ी एबनी जैसी है, और लुक वाइज जो है ये रोजवुड जैसी है, और ओवरऑल जो है काफी स्टेबल है। यहाँ फ्रेटवर्क की बात करें तो दोनों गिटार्स में आपको बहुत ही बढ़िया फ्रेटवर्क देखने को मिलता है, और प्लेइंग वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ सैडल ब्रिज पिंस और नट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक कंसिडरेबल डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। फेंडर CD60SC में आपको जो है प्लास्टिक सैडल ब्रिज पिंस और नट देखने को मिलता है, वहीं लैग TATA DC में आपको ग्रेफाइट के ब्रिज पिन सैडल और नट देखने को मिलते हैं। ग्रेफाइट जो है वो डेफिनेटली बेटर रहता है प्लास्टिक से। एक तो अगर मैं बात करूँ ब्रिज पे तो यहाँ पे ब्रिज पिन और सैडल क्योंकि ग्रेफाइट की है तो यहाँ पे आपको बेटर स्ट्रिंग वाइब्रेशन सुनने को मिलती है, जो ट्रेबल्स और हाइज है वो ज़्यादा क्लियर निकल के आते हैं, विच इज़ अनदर रीज़न कि आपको इसमें जो है ट्रेबल और हाइज बेटर सुनने को क्यों मिलते हैं। और यहाँ पे लैग में क्योंकि नट भी ग्रेफाइट का है, और इसके अलावा क्योंकि ग्रेफाइट एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटीरियल है, तो इसका एक तो फायदा रहता है कि कोई भी स्ट्रिंग फ्रिक्शन नहीं होती यहाँ नट स्लॉट्स के थ्रू, और ओवरऑल जो ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी स्टेबल रहती है। फ्री एक्सेसरीज की बात करें तो फेंडर CD60SC के साथ आपको कोई भी एक्सेसरी फ्री नहीं मिलती। यहाँ बैग भी जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, तो अगर आप ऑफलाइन कहीं से ले रहे हैं तो वो स्टोर के ऊपर होता है कि वो फ्री देते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ अगर आप कोई भी लैग का गिटार लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लैग का बैग फ्री मिलता है। तो ये एक मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि एक प्रीमियम गिटार के साथ जो है एक 1500 से 2000 रुपये का जो बैग है आपको फ्री मिल रहा है। तो भाई साउंड वाइज स्पेक्स वाइज एस्थेटिक्स वाइज दोनों गिटार्स में आपको कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले। यहाँ पे दोनों गिटार जो है अपने आप में बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ मैं फील करता हूँ कि जो लैग है वो कुछ कुछ प्रीमियम फीचर्स ऑफर कर रहा है सेम प्राइस रेंज में, और इसका मेन यही रीजन है दैट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बड़े ब्रांड जो है वो आपको एक स्टैंडर्ड स्पेक्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन लोग अगर खरीद रहे हैं तो वो ब्रांड नेम की वजह से सबसे पहले देखते हैं कि भाई फेंडर का गिटार है। लेकिन यहाँ लैग जो है मे बी उतना फेमस नहीं जितना फेंडर है, लेकिन वही है कि सेम प्राइस रेंज में
वो एक कंपटीशन देने वाली बात है, कंपीट करने वाली बात है कि आपको जो है एंगलमैन स्प्रू स्टॉप मिल रहा है, इसके अलावा जो है आपको एडिशनल स्ट्रेंथ मिल रही है नेक जॉइंट में, ग्रेफाइट नट सैडल जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और की फीचर है इस गिटार में, और यहाँ पे आपको इवन एक जो है प्रीमियम पैडेड बैग मिल रहा है। तो बस यही चीज़ मेरे को जो है इस वीडियो में दिखानी थी कि सेम प्राइस रेंज में ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड नेम देखकर जाइए, आप देखिए कि आपको जो है क्या सूट करता है, आपकी नीड्स, कौन सा गिटार ज़्यादा फुलफिल करता है, उस हिसाब से जाइए। तो इन दोनों गिटार्स में कोई कमी नहीं, दोनों ही बहुत बढ़िया गिटार्स हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा गिटार ज़्यादा पसंद आया। और मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूँ तो मुझे लैक थोड़ा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि एक तो टोन वाइज जो है मेरे को वही वॉर्म और एक बेटर क्लैरिटी सुनने को मिली लैक में। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो एडिशनल स्पेक्स और जो प्रीमियम फीचर्स थोड़े से आपको देखने को मिल जाते हैं व्हेन कंपेयरिंग बोथ, तो इसलिए ओवरऑल लैक जो है मुझे थोड़ा बेटर लगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।